हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। एक और राजस्थान पुलिस के लिए साइंस का टेस्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और कितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। पूरा वीडियो देखना है और अपना स्कोर बता देना। इस तरह के डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से आपको मिलता है। और रिविजन करने के लिए पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, तो वहां से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक टेस्ट डेली हमारा रात को 8 बजे होता है, लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, अगर आपको ये हमारी छोटी सी मेहनत अगर पसंद आ रही है। पहला है कि लेसर बीम है वो सदा होती है, अभिसारी बीम होती है, अपसारी बीम होती है, समांतर बीम होती है, कैसी होती है? लेजर बीम जो है ये बीम सदा जो है अपसारी बीम होती है, अपसारी बीम आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो राइट आंसर 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में अगर टूट जाता है तो ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। 2 आपका राइट आंसर। 3 है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु है वो कैसे आंकी जाती है? प्राचीन शैल समूह की आयु है वो कैसे आंकी जा सके? सी फोर्टन विधि से, सी फोर्टन विधि से, तो राइट आंसर 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या सभी? तो सारी किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें है उत्सर्जित करता है, तो राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो केडमियम का या फिर बोरोन का यूज करते हैं, केडमियम का या फिर बोरोन, तो 3 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है ये नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा, यूरेनियम विधि के द्वारा, तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि कलकम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम का यूज करते हैं, 4 आपका राइट आंसर। 11 नंबर कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 का नॉर्मली यूज है वो विकिरण चिकित्सा में करते हैं, क्यों किया जाता है ये, इसके द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है? गामा किरणें उत्सर्जित होती है, उसी की वजह से इसका यूज विकिरण चिकित्सा में होता है, कोबाल्ट 60 का। 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग है वो किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यूज होता है मंदक के रूप में, मंदक, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, होलोग्राफी, यानी 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 लेजर बीम का उपयोग है वो किसमें किया जाता है? लेजर बीम जो है इसका यूज किसमें करते हैं? आंख की चिकित्सा में करते हैं, आंख की चिकित्सा में यूज किया जाता है, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव ये तत्कालिक प्रक्रिया है, तत्कालिक प्रक्रिया है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 लेजर की फुल फॉर्म बतानी है, बिल्कुल आसान सा, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17 का कि निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है, यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो निम्न तापी इंजनों का यूज होता है रॉकेट में, क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में, एक आपका राइट आंसर। 18 नंबर है कि कौन सा एक आविष्कार ने ये दावा किया था, यानी किस आविष्कार के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत था, कौन सा सापेक्षवाद सिद्धांत जो है उसको गलत साबित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये किस आविष्कार से ये दावा किया जाता है, माइक्रोवेव फोटोन, एक नंबर आपका राइट आंसर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है, भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरणों की ज्यादा होती है, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो सक्रियता तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं, रेडियो सक्रियता तत्व है वो क्या उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा और गामा विकिरण, अल्फा बीटा और गामा, 3 आपका राइट आंसर। 21 नंबर, रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था, रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत जो खोजा था वो खोजा था हेनरी बेकुरल ने, सिद्धांत हेनरी बेकुरल, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किनमें से कौन सा तत्व है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, यूरेनियम है, रेडियम भी है, प्लूटोनियम भी है, जिरकोनियम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कि रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक की थी, रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि रेडियम भी है, हमने यूरेनियम रेडियम प्लूटोनियम तीनों पढ़े थे, तो रेडियम जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मेरी क्यूरी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कि रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण है वो उत्सर्जित होती है, किससे बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो ये हीलियम नाभिक से होते हैं, हीलियम नाभिक से, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 कि भारी धातुएं अपना नाम प्राप्त करती है क्योंकि वह दूसरे परमाणुओं की तुलना में क्या रखती है, क्योंकि उनका दूसरे परमाणुओं की तुलना में घनत्व ज्यादा होता है, उच्च घनत्व वाली होती है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एडरसन ने, एडरसन यानी 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कि डायोड यंत्र जो है, डायोड यंत्र धारा प्रवाह को निम्न के लिए बाध्य करता है, किसमें बहने के लिए, डायोड यंत्र जो है वो धारा प्रवाह को एक दिशा में बहने के लिए बाध्य करता है, तो एक दिशा में बहने के लिए इसका यूज होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि अर्धचालक में उपयुक्त विषुवता को मिलाने को क्या कहा जाता है, किसी भी अर्धचालक में जो विषुवता को मिलाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्नेहल, स्नेहत, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है वो कौन सा, उसका क्या होना चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का यूज कैथोड की तरह करते हैं तो उस धातु की विशेषता क्या होनी चाहिए, कि इसकी निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, निम्न क्रियाशीलता, यानी 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से सही कौन सा नहीं है, परमाणु शक्ति केंद्र है और कौन से राज्य में है ये दे रखा है, तो गलत कौन सा है उसकी पहचान कर दीजिए, तो काकरापार तमिलनाडु में ये हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 31, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, सीसा, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन नहीं है, ईंधन कौन सा नहीं, यूरेनियम थोरियम रेडियम है, हीलियम नहीं, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 33 कि हाइड्रोजन बम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा, यानी 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि समृद्ध यूरेनियम कौन सा होता है, समृद्ध यूरेनियम यानी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यानी U-235 आइसोटोप का घटक है कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 35 है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है,
इस पदार्थ के तीन चौथाई का से होने में समय कितना लगेगा, ठीक है, और उसमें लग जाते हैं लगभग 8 महीने, 8 महीने तो 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 36, कि इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं है, जर्बकोनियम नहीं है, बाकी एस्टेटाइन है, प्रेसियम है, ट्रिटियम है, तो जर्बकोनियम नहीं है तो 4 आपका राइट आंसर। 37 आपका कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म और पास की वस्तुओं के लिए, सूक्ष्म और पास की वस्तुओं के लिए, तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब यानी 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की विलहेल्म रोएंटजेन ने आविष्कार किया था किसका, विलहेल्म रोएंटजेन ने किसका आविष्कार किया था, बिजली का बल्ब यानी 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, एक शहर में वैज्ञानिक है, दूसरी शहर में आविष्कार दे रखे हैं, तो जो सुमिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। चार्ल्स डार्विन उत्परिवर्तन का सिद्धांत 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि एसी और रेफ्रिजरेटर में प्रसिद्ध के रूप में किसका यूज करते हैं, एसी में और रेफ्रिजरेटर में प्रसिद्ध के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है यानी 4 आपका राइट आंसर। 42 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी रिसाव किस गैस के कारण हुई थी, तो कौन सी गैस की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, तो 1 आपका राइट आंसर। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मिरबेन का तेल कहा जाता है, मिरबेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन 2 आपका सही है। 44 नंबर कि डीडीटी की फुल फॉर्म बतानी है कि पूरा नाम क्या होता है, डी डाई क्लोरो डाइफिनियल ट्राई क्लोरो एथेन यानी 3 नंबर आपका सही है, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है आपका। 45 है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के विरुद्ध किस टीके का प्रयोग किया गया था, और ये किया गया था डीडीटी का ही यूज किया गया था, तो 1 आपका राइट आंसर। 46 नंबर, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम बेंजोएट 2 हो जाएगा सही आंसर। और 47, मांसपेशियों के किस द्रव्य के कारण थकावट उत्पन्न होती है, मांसपेशियों में किस द्रव्य की वजह से थकावट जो है वो उत्पन्न होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड 3 आपका राइट आंसर। 48 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, और इसको कहते हैं एस्टरीकरण यानी 1 आपका राइट आंसर। 49, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है, और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का ही यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 50, कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, और किसका यूज करते हैं, एक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। और लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर, कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका यूज करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड यानी राइट आंसर का 3 नंबर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 51 में से कितने आपने सही किए हैं तो बता दीजिए, और जो भी आपका स्कोर बना है कमेंट कर देना, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सर्च कर लेना वहां पर प्रहलाद सारण सर के नाम से, ऑलमोस्ट 22,000 प्लस बच्चे होंगे, आपको दूसरा कोई फेक चैनल नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है, तो उसमें सारी पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी टेस्ट आज तक हमने किए हैं। और रेडी रहना रात की 8 बजे, जो कि डेली एक हम लाइव टेस्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो 8 बजे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हैं, तो लाइक कर दीजिए, कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं, और बात करना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज दोनों ही लिंक है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।